أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की आयात पर तफ़सीर बयान कर रहे हैं हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। ये 12वीं नशिस्त है जिसमें आज हम बात करेंगे 11वीं आयत के ऊपर और उसकी तफ़सीर बयान करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और छोटे बच्चों को ज़रूर ज़रूर ये प्रोग्राम दिखाएं जिससे कि वो इस्तफादा हासिल कर सकें। आइए इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। जिस तरीके से इस माह मुबारक रमज़ान बहुत मुश्किल होता है ये प्रोग्राम करना, क्योंकि रोज़े के बाद फिर हिम्मत नहीं होती है, और नाज़रीन भी इस बात को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। हम चाहेंगे कि पिछले एपिसोड में जो बात हुई थी हमारी रह गई थी वो 10वीं आयत पर मुकम्मल हुई थी, आज 11वीं आयत है इंशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि आप बयान कर दें ताकि मोमिनीन इससे इस्तफादा कर सकें, ख़ासकर वो छोटे बच्चे जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد। अज़ीज़ ग्रामी, सूरह इंसान यानी सूरह दहर की आयत नंबर आज जो है 11 है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक्काहुम नज़रतन वसुरूरा। गौर करेंगे तर्जुमे की तरफ, फिर बात को आगे बढ़ाई जाए कि परवरदिगार कह रहा है कि जब इन अहले बैत अतहार ने इसार क़ुरबानी के साथ ज़िंदगी बसर की है और नज़्र पे वफ़ा किया है, वफ़ा भी नज़्र किया है, अहद पैमान पे वफ़ा किया है, तो उसके बाद जो है परवरदिगार कह रहे हैं कि तो खुदा ने उन्हें उस दिन की सख्ती से बचा लिया। वका मन होता है बचाना, इसीलिए आप देखिए कुरान में यहाँ इरशाद हो रहा है कि कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसानों पत्थर है। यानी उस दिन जो है जो रोज़ क़यामत आएगा, तो उस दिन जो है इंसान और पत्थर वो ईंधन है और जहन्नम के लिए उसी से शोलावर होगा इंसान। तो बहरहाल ये कहते हैं कि कहा गया है कि अपने को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। तो अहले बैत अतहार ने जो ज़िंदगी बसर की है तो ख़ुद उन्होंने इतना अमल करके दिखाया है कि जिसके ज़रिए जो है इंसानों को चाहिए कि जो अहले बैत के मानने वाले हैं कम अज़ कम जो है उनकी सीरत को पेश नज़र रखें और उनके किरदार को पेश नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने तरीक़ा बताया है कैसे आग से बचना है, कैसे जहन्नम से बचना है, कैसे रोज़े क़यामत जो है हमें कामयाब होना है। और ज़ाहिर सी बात है कि वो मौलाए कायनात की ज़िंदगी आप देखिए कि उनका फुस्तो रब्बिल काबा और यानी काबे के रब की कसम में कामयाब हुआ, तो उन्होंने बताया कि ज़िंदगी कैसे कामयाब होती है। और इसीलिए जो है आप देखिए उसमें हदीस कदम आप पढ़ते हैं तो यानी नबी ने यही कहा था कि अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। तो भैया शिया जब कहा गया है जी, शिया जब कहा गया है तो शिया कामयाब है, तो शिया के माने क्या होते हैं? गिरोह, ग्रुप। तो भैया मैं आमतौर पर एक जुमला कहा करता हूँ, मतलब यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जहाँ पर बात हो रही है कि कहा गया कि आप और आपके शिया, तो शिया की जो मायने हैं वो ये है कि ग्रोह ग्रुप, तो बात किन लोगों की हो रही है? वो शिया वो ग्रुप कौन सा है? वो हाँ, क्या असल में ये ग्रुप है जो आज़ादारी कर रहा है, ये ग्रुप है जो नमाज रोज़ा कर रहा है, ये ग्रुप है ये जो सोमो सलात के साथ साथ वो सारी बातें कर रहा है? जी, मैं चाहूँगा कि ये आप इसकी वजाहत कर दें। देखिए अहम बात ये है कि जब शिया कहा गया है तो शिया मान होता है गिरोह। अच्छा, गिरोह किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, पार्टी किसे कहते हैं? हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं पार्टी, भाई अली की पार्टी,
ठीक है ना। तो अली की जो पार्टी है, अली का जो गिरोह है, तो आप जाहिर सी बात है ग्रुप में जब कोई रहता है, पार्टी में जो रहता है, तो पार्टी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। जैसे आमतौर पे आप देखोगे हिंदुस्तान में जो है सियासी पार्टियां हैं, तो सियासी पार्टियां जब हैं तो उनका कुछ रूल है, कुछ कानून है, उसी कानून के मुताबिक उस पार्टी में इंसान रह सकता है। और अगर बाई चांस जो है उस पार्टी के रूल्स को फॉलो नहीं किया किसी ने, तो उसको पार्टी विरोधी कह के जो है पार्टी से निकाल दिया जाता है। होता नहीं होता है जी, होता नहीं होता है, पार्टी विरोधी कह के निकाल दिया जाता है कि पार्टी के रूल्स को जो है पालन नहीं किया उसने। उसी तरह जब अली की पार्टी में कोई है तो अली ने कुछ शर्तें लगाई हैं। अच्छा, जब अली ने शर्तें लगाई हैं तो उन शर्तों के मुताबिक तो रहना है जी। ये मतलब कोई ना कि जय कहते कि जो चाहे बस कहे कि हम अली वाले हैं और नतीजे में अली की बात ना माने जी। तो मैं आमतौर पर यह कहा करता हूँ कि जो अली वाले हैं, जो अली के शिया हैं, तो ग्रुप में जो रूल्स और कहते कवानीन हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो जब करेंगे तभी जो है कहते सही मानों में वो इंसान दुनिया में और आखिरत में कामयाब है, जो फायदून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वरना इंसान कामयाब नहीं है। यहाँ पर मेरा सवाल आगा ये था कि वो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं जी, कि जिसको शिया कहा गया कि आपके शिया। बहुत अच्छी बात आपने कही है, तो मैं एक हदीस आपके साथ नकल कर दूँ जी, ताकि उससे पूरी बात वाज़े हो सकती है। देखे इमाम जाफर सादिक साहब इशारा फरमाते हैं, इन्नमा शियतुन, शियतु अली, बेशक अली का शिया, यानी इन्नमा का जब इस्तेमाल किया है तो इन्नमा माने होता है हसर, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। तो अब जाएगा जब पहरा लगा दिया इन्नमा का, तो कहा कि इन्नमा शियतु अली, अली का शिया कौन है? अब इमाम फरमा रहे हैं, छठे इमाम फरमा रहे हैं, पहली सिफत मन अफा बतनहू, जो अपने पेट को महफूज रखे, यानी कि हराम गिजा से। अहसान जी, तो शिया की पहली सिफत ये बताएगी कि हराम खोरी ना करे। हराम खोरी ना करे क्या मतलब हुआ? यानी जक़ात वाजिब है तो जक़ात भी दे, जैसे गांव में अगर कोई सुन रहा है तो वो सुने, जक़ात देना वाजिब है तो जक़ात दे, अगर जो है खुम्स देना वाजिब है तो खुम्स दे, साल में एक मरतबा खुम्स वाजिब वो दे, वरना हराम खोरी हो जाएगी उसकी, खुम्स के बगैर खुम्स यानी ना निकाले और उस पैसे को इस्तेमाल करके उसको खाना खाए तो वो हराम खोरी है, क्योंकि इमाम का माल खाया उसने, मिस्किन का माल खाया उसने, बेवाओं का माल खाया उसने, उसका नादार का माल खाया है, आपके यतीमों का माल खाया है, तो जाहिर सा खुम्स जो है यतीमों का माल है जो सहमे सादात है। बहरहाल तो अब पहली बात यह हो गई, वह फराज हो, वह फर्ज हो, यानी फर्ज माने होता है शर्मगाह, यानी उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने शिकम को और अपने शर्मगाह को महफूज रखे, इफ़त पाक दामनी जिसे कहते हैं, पाकिजगी बरकरार। इसीलिए अगर आपको याद हो सूरह मोमिनून में जी, मैंने मोमिन की सिफात में एक सिफत बयान की गई है कि मोमिन वो होते हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अज़वाजुहुम, मगर जो है अपनी बीवियों के मुकाबले में, भाई जौजा है उनका जायज़ है, भाई निकाह हुआ है तो जायज़ है जी। और कनीज जो उस ज़माने की बात है, लेकिन आज तो कनीज नहीं है, बहरहाल सिर्फ जौजा की बात है, शादी करने के बाद अपनी बीवी के साथ जो है इंसान जो मतलब कि जायज़ है उसके मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर कर सकता है जी। लेकिन वैसे जो है इंसान अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, तो शिया वही होता है जो अपने पेट और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, ये शरई इमाम फरमा रहे हैं। आगे वश्तद्दा जिहादहू, अपनी कोशिश में शिद्दत पैदा करता है, जिहादो मतलब कोशिश करना, तो जिहाद बिन नफ्स, यानी जब इंसान कोई काम अंजाम देता है जैसे नमाज पढ़ना है तो इसमें भी कोशिश है, क्योंकि जाहिर बात है कि इसमें भी जो है शैतान बहकाता है, तो इंसान को बाकायदा मुकाबला करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है कि हम शैतान को मगलूब करके हम जो है अल्लाह की बात को मान के नमाज अदा करें। शैतान हर जगह बहक आता है, मुसीबत तो ये है ना, तो अब जाहिर सी बात है कि ज़रूरत है इस बात की कि इंसान मजबूती से जो है अपनी कोशिश में कदम आगे बढ़ाए जल्दी से। वह अमिला लखालक ही, मौला फरमा रहे तीसरी सिफत यह है कि वो जो है अपने खालिक के लिए काम करता है, अल्लाह के लिए काम करता है, जो अहले बैत अतहार की जो है सीरत रही कि वो जो है अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की रजा के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं।
तो वही मसला यहाँ पर भी है कि कोई भी काम करता है अपने खाले के लिए करता है, जब खाले के लिए करेगा तभी सवाब मिलेगा जी। अगर इंसान बंदों के लिए करे तो अल्लाह कहे जाओ बंदों से लो, हमसे क्या मतलब है। फिर देखिए आप मौला फरमा रहे वरजा सवाब हो, जिस तरीके से जो है पिछली आयत में हमने पिछले दर्स में बताया था कि मोमिन वो होते हैं इबादत परवरदिगार के बंदे वही होते हैं जो उम्मीद लगाते हैं सवाब के लिए, खौफ और रजा के दरमियान ज़िंदगी बसर करते हैं। तो वही शिया की सिफत है कि रजा सवाब हो, यानी वो उम्मीद लगाता है सवाब के लिए, जो काम उसने अंजाम दिया है अल्लाह के लिए, जो काम किया है अमल अंजाम दिया है उसके सवाब के लिए जो है वो उम्मीद लगाता है कि अल्लाह सवाब को देगा, जजा हमको देगा। दूसरी बात वखफा इकाबहू, और वो यानी खौफजदा होता है, खाफा यानी खौफजदा होता है, किससे खौफजदा होता है, अजाब परवरदिगार से, यानी मतलब कहने का यह है कि खौफ और रजा में जिंदगी बसर करता है। जो पिछली आयत थी जो अहले बैत अतहार की जबानी जो है कहते बयान किया जा रहा है कि इन्ना नखाफो मिन रब्बिना यौमन, यानी हम जो हैं अहले बैत वो हैं कि जो हम उस दिन से डरते हैं जिस दिन जो है यानी मसला ये होगा कि इंसान के चेहरे जो है चेहरों पर हो यानी हवाइयाँ उड़ रही होंगी, परेशान होंगे हर तरफ, ये उम्मीद लगाए उम्मीद लगा कोई तो हो जो हमें निजात का जरिया बन जाए। अगर अब आप बताइए कि शिया इसे कहते नहीं कहते हैं, ये छठे इमाम ने फरमाया इन्नमा के जरिए बयान कर दिया। अब इसके अलावा जो है कहते हैं कि कोई जो है अपने शिकम को महफूज ना रखे, है ना, या मिसाल तौर पर जो है अल्लाह के लिए काम अंजाम ना दें, या कहते हैं शिद्दत पैदा ना करें अपने उमूर में अल्लाह के काम के लिए, तो फिर शिया कहाँ से हो गया। तो इन नमा के ज़रिए शिया को जो है महफूज रखा है। तो अब मसला यह है कि मोहब्बत अहले बैत के साथ साथ इमाम छठे इमाम ने फरमाया कि मन अहब्बना फलयअमल बिअमलिना, जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमारे किरदार को अपनाए, हमारी सीरत को अपनाए। बहरहाल जी जल्दी इस बात को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर यह है कि कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अगर यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसा कि आपने बयान किया कि इमाम कहते हैं कि जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमारे किरदार को अपनाए, यकीनन और जो मोहब्बत करता है वो अपनाता भी है, अमल भी करता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि कहाँ इमाम, कहाँ हम, कहाँ वो, कहाँ हम, ये भी आप सुनते रहते हैं, बकौल आप मेंबर से भी बयान करते हैं इसको, एक बार इसकी भी वजाहत कर दें मुख्तसर वक्त में। तो अब मसला ये है कि जब ये इंसान ये कहेगा कहाँ वो कहाँ हम, तो फिर इंसान ये भी कहे कि वो जहाँ जन्नत में जाएंगे तो कहाँ वो कहाँ हम, तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये सोचे, तो फिर काहिर दावा करता है कि हम हमें अहले बैत के साथ है जन्नत में रखे। भाई एक नकली जवाब है, फौरन जो है जो जवाब मिलता है वो ये है कि यानी अगर इंसान ये कह रहा है कहाँ वो कहाँ हम, तो फिर जन्नत में जो है जब वो जाएंगे तो ये इंसान कहे कि कहाँ वो कहाँ हम उनके साथ कैसे जाएँ, जबकि जो है अहले बैत अतहार ने कहा है कि अगर कोई हमारे किरदार को हमारे सीरत को अपनाएगा तो हमारे साथ जन्नत में रहेगा। कुरान ने भी कहा है जो अल्लाह रसूल के इताअत में ज़िंदगी बसर करेगा वो अम्बिया के साथ रहेगा, जो सिद्दीकीन के साथ रहेगा, वो शोहदा के साथ रहेगा, वो सालेहीन के साथ रहेगा, यानी वो आइम्मे ताहिरीन के साथ रहेगा, ये भी कहते हैं खुलासतन है। तो अब मकसद ये कहने का है कि जब इंसान को यानी हिदायत के वास्ते अम्बिया को अल्लाह ने भेजा है, अहले बैत को अल्लाह ने भेजा है, तो क्यों भेजा है अल्लाह ने ऐसे ही बदल फालतू में भेज दिया, कहे के लिए मौला कहनात आए थे हैं, अल्लाह ने ऐसे ही भेज दिया। अल्लाह तो कहता कि हम कोई काम भी जो है बगैर मकसद के हम अंजाम नहीं देते। तो अंबिया को भेजा, 124,000 अंबिया को भेजा, उसके बाद 12 इमामों को भेजा, तो अब ये जो है हिदायत के वास्ते आए थे, तो भैया किसकी हिदायत करेंगे, क्या कहीं और बात है। तो इसलिए मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि जो अली को मानते नहीं हैं तो अली की क्या मानेंगे जी। तो हम जब अली को मानते हैं तो हमें देखना है कि अली हमसे चाहते क्या है, यानी कि हमें पहले तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को अगर हम मान रहे हैं तो उनकी भी माने, उनकी भी माने, सिर्फ ये कि हम उनको मानते हैं उनकी नहीं मानते। हम इमामुल मुत्तकीन कहते हैं जी अली को जी। तो मुत्तकी पहले कोई होगा तभी तो उसके इमाम मुत्तकी के इमाम होंगे। तो भाई हमें मुत्तकी बनना है तब जैसे हमारे इमाम जो है मुत्तकी है, इमाम है मुत्तकियों के इमाम है जी। जल्दी साहब के सामने, बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। तो यानी हमें अर्ज कर रहा था तो यानी ये आय करीमा जो 11वीं आयत है, तो परवरदिगार कह रहा है कि उनको यानी अहले बैत अतहार को
खुदा ने उन्हें उन्हें के मतलब ये नहीं अहले बैत अतहार इबादत बंदगान खुदा यानी वो अबरार नेकोकार अफराद तो उन्हें जो है उस दिन की सख्ती से बचा लिया अल्लाह ने उन्हें बचाया है बचा लिया किससे उस दिन की सख्ती से बचाया और ताजगी और सुरूर और खुशी अता कर दिया परवरदिगार ने। अब यहाँ पर जो है खुदावंद आलम इन तमाम सिफात की बिना पर जो बंदगान खुदा की सिफतें बयान की गई थी कि वफा बे अहद करते हैं नद की वफा करते हैं इसार कुर्बानी उनके अंदर पाई जाती है अल्लाह के लिए ये काम करते हैं न शुक्रिया के तलबगार हैं न जजा के तलबगार हैं ये तमाम सिफतें जो बयान की गई तो कह रहे हैं कि परवरदिगार यानी खुदावंद मुताल ने इन तमाम सिफात की बुनियाद पर जो अबरार और बंदगान खुदा को उस दिन के शर और अजाब से महफूज रखता है यहाँ पर जो है नजरतन इस्तेमाल किया गया नजरतन होता है शादाबी खुश खुर्रम जिसे कहते हैं चेहरा बिल्कुल निखार पैदा होगा वहाँ पर तो अल्लाह ने जो है रोज़े क़यामत इनको ऐसे बनाया है कि चेहरा बिल्कुल निखार होगा पैदा होगा और खुश खुर्रम रहेंगे। अच्छा नूरी तो है ही है नूरी तो है ही है भाई जाहिर बात है उससे भी कहीं ज्यादा होंगे। हाँ बिल्कुल मकसद कहने का यह है कि जो सुर्ख रूह की बात कर रहे हैं आप जो सुर्ख और निखार होगा बिल्कुल बिल्कुल यानी देखिए मकसद क्या है इनको साथ साथ इनके साथ साथ उन बंदगान खुदा को भी रखा जाएगा जो इनके यानी पैरवी में जिंदगी बसर कर रहे हैं जैसे सलमान फारसी हैं जैसे अबू गफ्फारी हैं और तमाम अफराद आज के ज़माने में मर्जे तकलीद उलमा की बात है या इमाम के जो सहाबियों में से मुत्तकी पहरेज़गार इंसान की बात कर रहे हैं बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं जो इनकी सीरत पर अमल करता है और उनके जिस तरीके से शरई मसाइल को समझता है बखूबी और दुनिया से रुखसत हो जाए वो आखिरी वक्त में इस तरीके से जो है। अब आप बताइए कितना एहतियात करना एक बात आ गई तो एक मिनट में कि एक जो है आलिम दीन थे वो ऐसे ही गए और जाकर जो है देखे टहल चल रहे थे तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने देखा कि पानी यहाँ बह रहा है गए देखा कि एक सेब पड़ा हुआ है वही पानी में बह रहा है जी। उन्होंने उस सेब को उठाया और खा लिया। अच्छा खा चुके वाली मदीन तो उसके बाद जो है देखे वो एक लम्हे के लिए सोचा उन्होंने कि पता नहीं किस कहते कि पेड़ से जो है ये गिरा है सेब और यहाँ तक पहुँचा हमने खा लिया। अब जिधर से पानी बह रहा था उस सब सब चले देखे कौन सा पेड़ था जहाँ से सेब गिरा हो चलते चलते देखा तो एक सेब का पेड़ नजर आया वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि इस पेड़ का मालिक कौन है तो कहा कि फला आदमी है। अब वो चले लंबा सफर तय किया उस मालिक की तरफ मालिक के पास पहुँचे मतलब ऐसे एहतियात करने वाले अफराद होते हैं उस ज़माने के पहुँचे मालिक के पास दक्कुल बाप के दरवाज़ा खटखटाया। अब वो निकले क्या बात है कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो कहें क्यों क्या बात है कहने आपके पेड़ से जो है सेब गिरा था वो हमने खा लिया आपकी इजाज़त के बगैर आप मुझे माफ़ कर दिया मुझे हलाल कर दिया नहीं जायज़ कर दिया हमारे लिए कि हमारे लिए जायज़ हो जी वरना जो है वो तो क़यामत हमारे लिए सख्ती का सबब बनेगा। उनका ऐसे तो माफ़ करने वाले हम नहीं हैं अच्छा ऐसे नहीं माफ़ करेंगे हम कहे नहीं भाई माफ़ कर दीजिए कहा नहीं ऐसे नहीं माफ़ करेंगे कहा फिर कैसे माफ़ करेंगे कहा एक लड़की है हमारी वो लड़की जो है अंधी भी है बहरी भी है गूंगी भी है और लूली भी है और लकड़ी लंगड़ी भी है इससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी तब माफ़ करूँगी पता है ऐसे भी जो है लोगों को बहरहाल तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो आदमी वालिदीन सोचने लगा कि भैया इससे तो बेहतर है कि रोज़े क़यामत हम सख्ती में मुब्तला हों चलो भाई मान लेते हैं इनकी शर्त उन्होंने मान ली। अब शादी हो गई लड़की जब कहते कि लड़की के पास ये गए जनाब तो देखा बड़ी खूबसूरत लड़की आंखें भी उसकी हैं कान भी उसकी है कान भी उसके पास है यानी सुन भी रही है देख भी रही है बोल भी रही है हाथ भी सही सलामत है पैर भी सही सलामत है। वो फौरन जो है वापस आए उनसे कहने लगे बाप से कहने लगे कि आखिर जो है तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया कहले क्या मतलब जी। कहा कि आपने कहा अंधी भी है गूंगी भी है और ये है वो है तो आखिर कहाँ है वो तो सही सलामत है जी। कहा मैंने गलत थोड़ी ना कहा अंधी इसलिए है कि उसने नामहरम को नहीं देखा कभी नहीं देखा बहरी इसलिए है कि हराम कहते कि चीज़ों को नहीं सुना उसने गूंगी इसलिए है कि हराम जबान से जो है कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया झूठ नहीं गीबत नहीं कुछ नहीं किया जो हराम काम हो लूली इसलिए है क्योंकि उस हाथ से उसने गलत कदम नहीं गलत काम नहीं किया और लगड़ी इसलिए है क्योंकि जो है उसने गलत कदम नहीं उठाया। तो मैंने देखा कि तुम इतनी दूर से सिर्फ एक सेब की माफ़ी के लिए इतनी दूर तक आए हो
तो मेरी लड़की के लिए ऐसा कदे कुफ मिलने वाला नहीं था, इसलिए मैंने शर्त लगाई थी। अब आप गौर कीजिए, ऐसे से अफराद गुजरे हैं और मसलहते परवरदिगार देखिए कि सेब का गिरना और हाँ, पानी में बहना और आलम दीन का उठाना और उसको खाना, उसके बाद फिर उस जहन में आना हाँ, और उसके बाद फिर उस सिमत चले जाना कि जब सिमत वो पेड़ और फिर उस पेड़ के मालिक के पास जाना, ये मसलहते परवरदिगार तो इतना कदे एहतियात करना कि अपने शिकम को हराम से महफूज रखना, ये है शिया, इसे कहते हैं शिया। बहरहाल तो बाकी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। अगर हमारे पास अभी दो मिनट हैं, हम चाहेंगे कि आप बयान कर दें जो आयत का जो मफ़हूम है वो बिल्कुल बयान कर दें जो रह गया है। तो अब जो है नजरा के इस्तेमाल के, नजरा माने होता है खुश खुर्रम, यानी वहाँ पे रोज़ क़यामत अल्लाह ने जो है उस दिन से बचाया, इनको महफूज रखा नेकुकार बंदों को और कहते हैं बंदगाने खुदा को, और उस दिन से यानी उनके उस दिन के शर से महफूज रखा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस दिन खुश खुर्रम ये रहेंगे। दूसरी बात, उनके नुकसान का रंग उस दिन आराम और निशात के साथ होगा, यानी चेहरा जैसा ना खुशी में चेहरा का रंग बदल जाता है, तो वैसे ही देखते हैं रोज़ क़यामत उनके रुखसार, उनके चेहरे का रंग नज़र आएगा। बस दुनिया में खौफनाक थे तो आखिरत में परवरदिगार उनको खुश खुर्रम रखेगा। इन न खाफो, पिछली आयत में था कि हम डरते हैं, तो दुनिया में खौफ ज़्यादा थे, आखिरत में अल्लाह उनको खुश खुर्रम रखेगा। देखिए इसका फ़ायदा यही है जी। अब इसका यह है यहाँ पे है लक्काहुम, लक्काहुम माने मुलाकात करना जी। तो यहाँ पे जो है लगता यह है कि खुदावंद ने मुताला अपने मेहमान से खास लुत्फ करम करता है, तभी तो अल्लाह मुलाकात करेगा इनसे। मतलब यहाँ पे जो है लकाउल्लाह की मंजिल है, यानी एक तरीके से है कि अल्लाह अपने से करीब करना चाह रहा है इनको, और उसके बाद अपने मेहमान से खास लुत्फ से यानी इस्तकबाल करेगा बाकायदा। अल्लाह उनको जो है इस्तकबाल करेगा बाकायदा कि हाँ ये चलो दुनिया से आए हुए हैं, तो इनको जो है कहते उस मरतबे तक पहुँचाया जाए जो इनका हक बनता है, और उनको अपनी रहमत के साए में खुश खुर्रम रखेगा। तो आप गौर करें, यानी कि यहाँ पर कई बार खुश खुर्रम की बात आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, हर तरीके से खुदा बंदे हर तरीके से इनको जो है सुकून रहेगा। वही हमने उस दिन जो बताया था कि राजियत मर्जिया, खुद भी राजी होंगे अल्लाह भी राजी होगा, यानी इतनी नेमतें इनको मिल जाएंगी कि खुद जो है कहते हैं राजी होंगे, परवरदिगार ने बहुत हमें नवाजा। ये तमाम अगर बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल की नशित में ये आगे की गुफ्तगू पर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि तमाम नाज़रीन आपको इस वक्त सुन रहे हैं और ख़ासकर वो छोटे बच्चे, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मसला यही है कि देखिए दो बातें हमारे सामने हैं कि खौफ और रजा, डर भी हो और उम्मीद भी हो, सिर्फ डरना नहीं है और सिर्फ उम्मीद ही लगाना है। असि उम्मीद लगाते रहे तो नतीजे में क्या होगा बताएं? अरे अल्लाह तो रहीम और करीम है, माफ कर देने वाला है, जो करना चाहो करो, हम उम्मीद लगाते हैं कि अल्लाह माफ करेगा, तो नतीजे में क्या होगा? इंसान गुनहगार बनता चला जाएगा। यानी कि अगर पैरवी कर रहे हैं तो उसके साथ अमल भी, अमल पैरा भी हों, अमल भी करें, तभी जाके आप आखिरत में बिल्कुल जो एक मकाम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और खुदा वंद आलम यकीनन उन बंदों को कभी भी फरामोश नहीं करता, नहीं करता है, जो कि उसके बताए हुए रास्ते पर हमवार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल की नशिश में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना मुमताज़ जाफर साहब क़िबला, जो कि इस वक्त बात कर रहे हैं हमसे प्रोग्राम तफसीर कुरान में सूरह दहर के हवाले से, जो कि सूरह इंसान की तफसीर बयान कर रहे हैं। आगा आज ये 12वीं नशिश थी जो कि मुकम्मल हुई, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होता हूँ इसी वक्त। देखते रहें हुसैनी चैनल, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर जो मैंने आपको बताया है वो ज़रूर ज़रूर करें। मैं पूरा नहीं बताऊँगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। इंशाल्लाह कल की नशिश में हाज़िर होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।